हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए नीट 2023 7 मई को है, 2 हफ्ते अब बचे हैं। तो अब इन 2 हफ्तों में क्या किया जाए? देखिए, वैसे तो आप लोगों ने खुद ने बहुत सारी चीज़ें स्ट्रेटेजी बना रखी होंगी, बट फिर भी अगर आपको कुछ मेरी तरफ से गाइडलाइन और चाहिए कि क्या चीज़ें भूल के भी भूल ना जाए या क्या चीज़ें करनी चाहिए इन लास्ट 2 हफ्तों में, तो देखिए वापस से मैं बच्चों को एक चीज़ कहता हूँ, मैं बार बार मेरे स्टूडेंट्स को भी कह रहा हूँ, आपकी जो एनसीईआरटी बुक्स हैं, चारों बुक्स जो आपकी हैं, 2 11th की, 2 12th की, मेक श्योर ईच एंड एवरी सॉल्ड एग्जाम्पल और उसका कॉन्सेप्ट आप करिए। मैं आपको बैक एक्सरसाइज के लिए नहीं कह रहा हूँ, याद रखिए मैं कह रहा हूँ सॉल्ड एग्जाम्पल। आप ढंग से देखिए, पेपर एनालिसिस करेंगे, कई बार सॉल्ड एग्जाम्पल से एग्जैक्ट डेटा या एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट एग्जाम में आता है, तो ये काम एक जरूर कीजिए। इस ईयर एनसीईआरटी से एक चीज़ मैं और कह रहा हूँ, देखिए अभी जो जेईई मेन के पेपर्स आए थे उनमें कुछ एक दो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ऐसे आए जो डायरेक्टली थिंग्स टू पॉन्डर करके जो लास्ट में आपको मिलता है। देखिए चैप्टर एंड होने पे एक समरी होती है, समरी के बाद एक थिंग्स टू पॉन्डर करके एक और कुछ पॉइंट्स वहां पे हर चैप्टर में गिवन है। तो अगर आपके पास टाइम है, आपकी बाकी चीज़ें प्रिपरेशन हो चुकी हैं, तो डेफिनेटली उन पे भी आप टाइम स्पेंड कीजिए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के लिए आपको ज़्यादा बेटर तरीके से तैयार करेगा। और जैसा मैंने कहा, PYQs तो मैं हमेशा से कहता हूँ आपको करने ही हैं, डेराइव PYQs ही यूजुअली आते हैं, तो PYQs अच्छे से करें। याद रखिए लास्ट ईयर भी एक एक्स्ट्रा नीट का पेपर हुआ था श्रीगंगानगर वाला, ये जो एक्स्ट्रा जो और पेपर्स थे इनको भी करिएगा, क्योंकि लेटेस्ट पेपर नीट का वही कहलाएगा। देखिए लास्ट ईयर का पेपर सबने किया होता है, बट वो श्रीगंगानगर वाला पेपर बहुत कम लोगों ने किया है, वैसे पेपर्स भी आप करिए। एंड फिर भी टाइम बचता है तो फिर जेई मेन है ही आपके पास, जेई मेन के जनवरी अप्रैल अटेम्प्ट के क्वेश्चन कीजिए। देखिए मैंने भी हमारे स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस का एक बंच बना के दिया था, जितने भी क्वेश्चंस जेई मेन में आए थे, बहुत सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे, वो आपको भी मिल जाएंगे, डेफिनेटली उनके थ्रू आप ये तैयारी कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अपने को अच्छी वाइब्स दीजिए, खुद को हमेशा ये दिलासा दिलाइए, खुद पे हमेशा ये भरोसा दिलाइए कि 7 तारीख आपके लिए अच्छी ही होगी। सो स्टार्ट फीलिंग पॉजिटिव, फील ऐसे ही करिए कि इस बार अपन डेफिनेटली कुछ बढ़िया करने वाले हैं, किला फतेह करके ही आएंगे। और भी कोई आपको कुछ मन में सवाल हो, कुछ क्वेरीज हो, डेफिनेटली कमेंट्स में पोस्ट अप कीजिए। ऑल द बेस्ट।